Let us start part 2 of the banking awareness series for September month. गाइस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. 51st क्वेश्चन इज व्हाट इज नेम द आरआरबी व्हिच लॉन्च्ड अ स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम नेम्ड विकास लघु सुवर्ण. असम ग्रामीण विकास बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. इट्स आंसर इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. विकास लघु सुवर्ण एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम है जिसका इंटरेस्ट रेट होगा 7.25% और ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड वर्चुअली ऑन सेप्टेम्बर 2020. इट्स 53rd, 49th, 69th और 55th. ये कौन सा एडिशन था ए डी बी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग का. इट्स आंसर इज 53rd. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹14,528 करोड़ इन बिहार रिसेंटली. बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स 14,528 करोड़ रुपीज़ का बिहार में किसने लॉन्च किया है. रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी. इट्स आंसर इज नरेंद्र मोदी. ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड फाउंडेशन ऑफ हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल. ये भी सर्विस उन्होंने लॉन्च की है. ये इंटरनेट सर्विसेज के लिए टू कनेक्ट ऑल विलेजेस ऑफ बिहार, बिहार के सारे विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए. अंडर दिस अबाउट 6 लाख विलेजेस वुड बी प्रोवाइडेड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल इन 1000 डेज. 1000 डेज में 6 लाख विलेजेस को 1000 डेज के अंदर अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल स्कीम के अंडर. इंक्लूड्स 45,945 विलेजेस इन बिहार. बिहार के इसमें 45,945 विलेजेस होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील आचनी विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम. बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB और केनरा. इट्स आंसर इज SBI. SBI ब्रांचेज ऑफ असम सैंक्शन 856 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. 856 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया है. एंड इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाई NRLM. NRLM इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इट विल बी फिनेंशियल आउटले का कितना होगा 38 करोड़ रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ इन नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया इन फिनेंशियल ईयर 22. फिनेंशियल ईयर 22 के लिए एस्टिमेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया की GDP के लिए कितना रखा है 19%, 21%, 17%, 15% और 11%. इट्स आंसर इज 19%. एन के सिंह इज द चेयरमैन ऑफ 15th फिनेंस कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ISPP टू स्ट्रेंथन द नॉलेज एबिलिटी स्किल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नॉलेज एबिलिटी और स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ किसने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट. इट्स आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस DMEO ऑफ नीति आयोग. ये नीति आयोग का ऑफिस है. इसने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद HDFC Life. HDFC Life के साथ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन करने वाले बैंक का नाम है येस बैंक. HDFC Life और येस बैंक एंटर इंटू अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक लोकेटेड. बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. इट्स आंसर इज कोलकाता. बंधन बैंक लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, US बेस्ड KKR जो US की कंपनी है वो कितने परसेंटेज स्टेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 5,550 करोड़ रुपए में परचेज करने वाली है. इट्स आंसर इज 1.28%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फैसिलिटी नेम्ड सेफ पे फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स
पेमेंट, डेबिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए सेफ पे नाम की फैसिलिटी, डिजिटल फैसिलिटी अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है, ये किस बैंक ने लॉन्च की है? इट्स आंसर इज IDFC फर्स्ट बैंक। सेफ पे फीचर सक्सेसफुली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाई वीज़ा, ये इसको इट्स टेस्ट और सर्टिफाई किया है वीज़ा ने। इट अलाउज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स ऑफ अप टू ₹2000 पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन आप ₹2000 तक का कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट है पर डे आप ₹20,000 का ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ सोमालिया? इट्स आंसर इज मोगादिशु इज द कैपिटल एंड शिलिंग इज द करेंसी ऑफ सोमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 96 crore rupees अप्रॉक्स टू विच कंट्री एज पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस। इट्स आंसर इज नेपाल एंड नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2014 इज नोन एज गोरखा अर्थक्वेक। इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड विद ऑपरेशन मैत्री, इंडिया ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था वो ऑपरेशन मैत्री था। जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो 1.54 billion नेपाली रुपी अप्रॉक्सीमेटली 96 crore इंडियन रुपीज़ है। ये मिस नामग्या खाम्फा जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ऑफ एम्बेसी हैं इंडिया के, उन्होंने हैंडेड ओवर, उन्होंने चेक दिया है 1.54 billion नेपाली रुपीज़ का टू मिस्टर शिशिर कुमार दुंगाना जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर 2020-2023? फिनेंस कमीशन, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इट्स आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइव पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच गार्ड, इसमें 5 अप्रोचेस के नाम ये हैं: गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, रोबस्ट कोलाबोरेशन एंड डेवलपिंग नेसेसरी IT एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशन ऑफ CII एक्सिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप वॉज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली रिसेंटली? इट्स आंसर इज 15th एडिशन। इनिशिएटेड इज वॉज स्टार्टेड इन 2005 एंड दिस इन 2020 इट वॉज 15th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूजर इकोसिस्टम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? UK, मलेशिया, इंडोनेशिया और कैनेडा। इट्स आंसर इज इंडोनेशिया। लूजर इकोसिस्टम इज अ फॉरेस्ट एरिया आइलैंड ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, इंडोनेशिया। लूजर इकोसिस्टम इज अमंग द मोस्ट एंशियंट एंड लाइफ रिच इकोसिस्टम एवर डॉक्यूमेंटेड बाई साइंस एंड द इकोसिस्टम हैज बीन डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक इज लोकेटेड इन? इट इज़ लोकेटेड इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी कंपनी विच हैज़ गॉट RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट BBPOU, BTI, वकरंगी, हताची और कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। इट्स आंसर इज वकरंगी। वकरंगी को RBI का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है टू सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट। ये मिला है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन? इट्स आंसर इज SBI कार्ड। SBI कार्ड ये है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ SBI कार्ड्स ब्रांड कैंपेन घर में खुशियाँ। हाउ मच वॉज एक्सटेंडेड एज फिनेंशियल असिस्टेंट बाई इंडिया टू श्रीलंका फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज? इट्स आंसर इज $15 million। $15 million इंडिया ने श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज़ इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS अबव वॉट फ्रॉम January 1, 2021? इट्स आंसर इज 50,000। 50,000 से ज़्यादा के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है RBI ने। ये है सेक्शन 10(2) रेड विद सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम और ये 1 January 2021 से इम्प्लीमेंट होगा। टू बी डेवलप्ड, ये डेवलप किया जाएगा NPCI के द्वारा एंड इट विल बी रिक्वायर की डिटेल्स फॉर पेमेंट्स। अगर 50,000 से ज़्यादा के पेमेंट के लिए यहाँ पे डिटेल्स चाहिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन रोप्ड बाय RBI फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? इट्स आंसर इज अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द DSII's
domestic systematically imported insurance for 2021 by IRDAI? Its answer is all, LIC, GIC and NICL, all. Next question, which is the first bank to implement the new feature of document embedding facility with letter of credit, LG, LC and or bank guarantee BG messages over SFMS? SFMS is structured by financial messaging system platform. Its answer is IDBI Bank. Structured financial messaging system platform of Indian Financial Technology and Allied Services. ये प्लेटफॉर्म इफ्टास का है. मिडिलवेयर एप्लीकेशन आई एट कनेक्ट SFMS इज डेवलप्ड बाय IDBI इंटेक लिमिटेड ने डेवलप की है ये एक एप्लीकेशन. दिस न्यू फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग प्रोवाइड्स बैंक्स विद फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग अ PDF डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इकरास प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन FY21? इट्स आंसर इज इट्स -11%. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the present chairman and MD of SIDBI? Its answer is Mohammad Mustafa. SIDBI chairman and MD is Mohammad Mustafa. Defense Acquisition Council chaired by Defense Minister Rajnath Singh approved capital acquisition for arms and equipment worth rupees 2,290 crore. Rajnath Singh approved capital acquisition for arms and equipment worth rupees 2,290 crore rupees along with SIG, SAUER, assault rifles. Next question, which organization has partnered with CRIF High Mark Credit Information Services to launch Industry Spotlight? Its answer is SIDBI. This was the first edition of the report. Next question, BSE has signed MOU with which bank to empower small and medium enterprises? Its answer is Yes Bank. BSE and Yes Bank through this partnership aims to make SMEs more competitive and to fast track their growth. Next question, RBI has approved a 3-member committee headed by Meeta Makan to function as ad interim MD and CEO of which bank? Its answer is Lakshmi Vilas Bank. It is composed of 3 independent directors. Meeta Makan chairperson, Shakti Sinha and Satish Kumar Kalra are the members. Next question, which bank has launched India's first warehouse commodity finance app? Its answer is HDFC Bank. India has launched first warehouse commodity finance app. Next question, which state government has launched Mukhya Mantri Kisan Kalyan Yojana for farmers? 4,000 will be transferred to farmers annually. Its answer is Madhya Pradesh. Under this scheme, annually 4,000 will be transferred to the accounts of around 1,75,000 farmers of Madhya Pradesh in 2 equal installments. In addition to the 6,000 annually transferred to the farmers under PM Kisan scheme, this will enable the farmers of MP to get Samman Nidhi of 10,000 per year. Next question, what is the currency of Denmark? Its answer is krone and capital is Copenhagen. Next question, how much worth loan was approved by ADB for urban projects in Rajasthan, Madhya Pradesh? Its answer is $570 million is provided by ADB and it will be two loans. दो लोन्स होंगे और जिसमें $570 million का लोन प्रोवाइड किया गया है ADB के द्वारा और ये करीब 4,200 crore इंडियन रुपीस होगा अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में. अर्बन ADB ने अप्रूव किया $300 million लोन राजस्थान के लिए फॉर डेवलपिंग राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स बाय फिनेंसिंग इंक्लूसिव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और अप्रूव किया एडिशनल $270 million लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश के लिए. Next question, name the bank which has entered into partnership with Bayer's Better Life Farming Initiative in India. Its answer is Axis Bank. Axis Bank is India's third largest private sector bank. Bayer's Best Livelihood Agriculture Centers will provide the solution which are owned and operated by farmer FPOs, farmer producer organization, federation, agri graduate or a local entrepreneur. Next question, what is the currency of South Africa? Its answer is Rand and the capitals are Cape Town, Pretoria and Bloemfontein. Currency is South African Rand. Next question, what is the India's rank in World Risk Index WRI 2020 released by United Nations University Institute for Environment and Human Security, UNUEHS and Bundesentwicklung Hilft? Its answer is 89.
89th स्पॉट अमंग 181 कंट्रीज़। दिस वॉज द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 89th रैंक। द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इज स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्लोबल रिस्क ऑफ डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड्स, ड्रॉट और सी लेवल राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा इज पार्टनर विद विच IPL टीम टू लॉन्च माई टीम कार्ड्स। माई टीम कार्ड लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा ने, किस IPL टीम के साथ पार्टनरशिप की है इसके लिए? इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इसके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इसने किया है पार्टनरशिप। लॉन्च कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया माई टीम कार्ड्स, स्पेशली डिजाइंड रेंज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक हैज कोलाबरेटेड विद फिनटेक पार्टनर्स टू इंट्रोड्यूस नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम्स। इट्स आंसर इज फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक हैज कोलाबरेटेड विद फिनटेक पार्टनर्स टू इंट्रोड्यूस नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम। This system was developed by Fino Payment Bank in partnership with fintech firms like City Cash. Next question, where is the headquarter of IDFC First Bank का headquarter कहाँ पे है? Its answer is Mumbai. IDFC First Bank of headquarter is in Mumbai. Next question, which edition of World Economic Forum's Sustainable Development Impact Summit 2020? World Economic Forum का Sustainable Development Impact Summit 2020 का कौन सा edition इस बार किया गया है, और ये अंडर द बैनर, ये किस बैनर के तहत हुआ है? रियलाइजिंग अ ग्रेट रीसेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसेंटली। ऑप्शंस आर 3rd edition, 4th edition, 5th edition, 7th edition और 10th edition। इट्स आंसर इज इट वाज द 4th edition टू कन्वीन 2100 लीडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। Summit was based on 5 themes of shared prosperity, catalyzing cooperation, better business, harnessing technology and livable planet. During the summit, World Economic Forum's Earth Time Visualization Report, ये नेम इम्पॉर्टेंट है, अर्थ टाइम विजुअलाइजेशन रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो कि ये भी लॉन्च की गई थी। इट वाज आल्सो रिलीज्ड स्टेटेड दैट दिल्ली, इसमें कहा गया है कि दिल्ली में हैव 8 months अ ईयर विद टेम्परेचर एवरेजिंग 32 degrees centigrade बाई 2100 तक 32 degrees centigrade तक एवरेज टेम्परेचर दिल्ली का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज द लिमिट ऑफ फॉर यूज ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फ्रॉम 35% टू वॉट, टू कॉम्बैट COVID-19 टू, इट्स ऑप्शन आर 60%, 40%, 50%, 75% और 80%। इट्स आंसर इज 50%। दिस वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द वर्चुअल मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 6 states एंड 1 union territory। और 6 states और 1 union territory के नाम क्या हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियन इकोनॉमी एज पर UNCTAD? UNCTAD के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है इंडियन इकोनॉमी में? 3.2, 10.3, 5.9, 14.6 और 18.7। इट्स आंसर इज 5.9%। एक्सपेक्ट्स द इकॉनमी टू रिबाउंड टू, 2021 में 3.9% रिबाउंड करेगा, वापस आ सकती है। -5.9% इज द एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसलेटेड इन टू अ परमानेंट इनकम लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द सेबीज टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज? इट्स आंसर इज हर्ष कुमार भानवाला विल चेयर द सेबीज टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हर्ष कुमार भानवाला इज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। द ग्रुप विल डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिस्क्राइबिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस एंड आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सोशल ऑडिट एंड सोशल इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज सेट अप अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB? इट्स आंसर इज बंधन बैंक। बंधन बैंक सेट अप अ न्यू वर्टिकल कॉल्ड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। कुमार आशीष इज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड हेड टू लीड EEB। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विद गूगल टू इनेबल कस्टमर्स यूज देयर कार्ड्स ऑन गूगल पे प्लेटफॉर्म। इट्स आंसर इज SBI कार्ड। इन ऑर्डर टू इनेबल कस्टमर्स टू यूज देयर SBI क्रेडिट कार्ड्स टू मेक कार्ड पेमेंट्स यूजिंग गूगल पे ऐप ऑन देयर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, गूगल पे हैज़ रोल्ड आउट टोकनाइजेशन अक्रॉस इट्स प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद वीजा एंड बैंकिंग पार्टनर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI लाइफ इंश्योरेंस साइंड बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट विद विच बैंक? HDFC बैंक, ICICI बैंक, DBS बैंक, यस बैंक और RBL बैंक? इट्स आंसर इज यस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वॉज दी अमाउंट एक्सटेंडेड बाई इंडिया टू मालदीव्स टू कॉम्बैट COVID-19? COVID-19 कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने मालदीव्स को $250 million का लोन प्रोवाइड किया है. सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आंसर ऑलरेडी इज गिवन हियर. द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स इज इब्राहिम मोहम्मद सोली. हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स इज संजय सुधीर. मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स इन मालदीव्स इज अब्दुल्ला शाहिद. दिस फिनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू सब्सक्रिप्शन और इन मालदीव्स गवर्नमेंट डोमेस्टिक ट्रेजरी बॉन्ड्स बाई SBI माले मालदीव्स. दिस सॉफ्ट लोन हैज़ 10-year tenure फॉर रीपेमेंट एंड अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ घोष वॉज द वॉट गवर्नर ऑफ RBI? और 11th गवर्नर, 12th गवर्नर, 13th गवर्नर, 16th गवर्नर और 14th गवर्नर? इट्स आंसर इज ही वॉज 16th गवर्नर. ही इज़ द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ RBI. ही सर्व्ड फॉर 21 डेज, 15th जनवरी 1985 टू 4th फरवरी 1985. नेक्स्ट क्वेश्चन, टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक? इट्स आंसर इज केनरा बैंक. टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन फॉर केनरा बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सीरीज इज, विच बैंक लॉन्च्ड सर्विस नेम्ड आई लीड इंस्पायरिंग लीड्स 2.0 रिसेंटली? इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और पंजाब नेशनल बैंक? इट्स आंसर इज केनरा बैंक. टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ वेयर द कस्टमर रिसाइड, केनरा बैंक लॉन्च्ड अ लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. If you really like this session, please hit the like button and share it with your friends who are preparing for government exams like banks and SSC. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel. I will request you to please subscribe the channel. और गाइस, पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा. और मेरी कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.